के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई है। इस दौरान आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमयी नंदा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बैठक बड़ी लंबी चली, क्या कुछ प्रस्ताव रहे आप लोगों की बैठक? भाई, हम लोग भाजपा को हटाएंगे, मजबूत से संगठन बनाएंगे और जो हम लोग का साथ में है, जो भाजपा को हटा सकता है, उनको हम मदद करेंगे। एक सवाल ये था, जातीय जनगणना का मुद्दा जो है वो बहुत मजबूती से आप लोग उठा रहे हैं, क्या इसी को बेस्ड बना कि इस बार चुनाव? समाजवादी का पुराना मुद्दा है, डॉक्टर लोहिया का समय से ये मुद्दा हम लोग का है। ये मुद्दा हम लोग लेके आएंगे, ये मुद्दा को हम लोग प्रतिष्ठित नहीं करेंगे। जो पीछे रहे, जो उधर है, अब और भी ज़्यादा पीछे चला जाएंगे। एक सवाल ये था कि तमाम और मुद्दे हैं, ये भी बोला गया कि तमाम संस्थाओं को कमज़ोर करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं कि वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो भी बुरा करेगा उसके साथ? वो शुरुआत कांग्रेस किया था, वही रास्ता पे भाजपा चला, वो रास्ता का और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। सब ईडी, सीबीआई, आईटी सब लगा दो अपोजिशन के खिलाफ, ये तो भाजपा का ही है, उनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं अपोजिशन को डराने के लिए, इतने जनता नहीं डरेंगे और जो रियल अपोजिशन वो नहीं डरेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। धर्मेंद्र जी, बहुत बड़ी बैठक चली, दो दिन चली, कोलकाता में बैठक हुई, क्या मकसद रहा बैठक का और क्या कुछ लब्बो लुबाब निकल कर आया? बैठक बहुत महत्वपूर्ण और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक फैसलों के साथ पार्टी को न केवल मजबूत करने के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी को रोकने के संकल्प के साथ आज खत्म हुई है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा संबोधित आप सबको किया गया होगा और मैं समझता हूँ इस बैठक के साथ ही पार्टी एक बहुत ऊर्जा के साथ निकलने जा रही है। एक आखिरी सवाल ये था कि बिजली संकट जो है उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, बिजली कर्मियों ने हड़ताल कर दी है और अभी अखिलेश यादव जी ने बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि वो न्यायपालिका को समाप्त करना चाहते हैं, वहाँ पे संकट है और नौकरियों का संकट है, इस तरह की तमाम बातें निकल कर सामने आई। बिल्कुल संकट है और देश की पूरी डेमोक्रेसी, देश के संविधान, देश के सभी जिम्मेदारों जगह पर बीजेपी के लोग अपना कब्जा करके देश की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे आज़ादी के पुरखों ने सपने देखे थे, संविधान के माध्यम से जो देश के लोगों को अधिकार और हक मिले हैं, वो सारे समाप्त करना चाहती बीजेपी, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने संघर्ष की बुनियाद पर, अपने नेतृत्व की ताकत के दम पर ये बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो है कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है, बहुत मुद्दे अखिलेश यादव जी ने उठाए हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो ये शूद्र का मुद्दा चल रहा है ये ज़्यादा हाइप करेगा आपका उठाया हुआ मुद्दा? क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, इस मुद्दे के साथ हम लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, क्या कुछ प्रस्ताव रहे और किस तरह से 2024 का लक्ष्य प्राप्त करेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में, सदे अखिलेश यादव जी के अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक 17, 18, 19 बहुत अच्छे ढंग से हुई और तमाम नेताओं ने, देश के जो आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए और 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी के लाने के लिए ये तय किया गया कि 80 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से बेदखल करने का काम करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, दो दिन कार्यकारिणी की बैठक चली, क्या मुद्दे लेकर जाएंगे 24 के चुनाव में आप लोग और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं? देखिए, हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पास हुए हैं, उसमें जो है भारत देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना एक अहम मुद्दा है, क्योंकि भारत सरकार या प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, जब उसका जो है आकलन जातियों का नहीं होगा तो फिर उन योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिलेगा। इसलिए हमारी मांग है, हमारी पार्टी की मांग है,
कि भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कोलकाता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे अरविंद सिंह गोप से बात कर लेते हैं। दो दिन का ये कार्यक्रम चला, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर 2024 में जाने वाले? सारे साथियों के विचार आए और हर मुद्दे पे बात हुई। हमारा लक्ष्य है 24 में ज्यादा सीटें जीते। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे ये संकल्प लेकर हम उठे हैं कि हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने के लिए काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है, न डरने वाली, न दबने वाली, न हटने वाली। जितनी बड़ी चुनौती है उस चुनौती को हम स्वीकार करेंगे। हमारा लक्ष्य है दिल्ली की सरकार बिना अखिलेश यादव के नहीं बनेगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा, भारत समाचार, कोलकाता।